हाय दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं भिवंडी पड़गा में आया हूँ। अशरफ भाई का गोट फार्म है ये, अगवान गोट फार्म। माशाल्लाह आपने यूट्यूब पे बहुत से चैनलों पे इनकी वीडियोस देखा होगा, तो आज मुझे मौका मिला है इनकी वीडियो, फार्म की वीडियो शूट करने का। मुझे आज मौका मिला है इनके फार्म पे विज़िट करने का, तो ये वीडियो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो में मैं आपको पूरा फार्म विज़िट करवाऊँगा, पूरा फार्म बताऊँगा कि इनके फार्म पर माशाल्लाह बहुत नस्ल के बकरे हैं। तो ये वीडियो में मैं आपको इनका पूरा फार्म बता दूंगा। इंशाल्लाह सेकेंड वीडियो में मैं आपको खस्सी बकरे, अंडू बकरे, हर एक के अलग अलग वीडियो में बता दूंगा। तो आइए अब अशरफ भाई से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम इनायत भाई, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बहुत दिनों से मैं आपकी वीडियो देख रहा था सब चैनलों पर। माशाल्लाह आज मुझे मौका मिला आपके फार्म पर आने का। वो भी बोलते ना, वाया 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 मिल गया, कैसा ना कैसा आने का। लालू सेठ दुम्बा किंग, जिन्होंने आपको भेजा और आप टाइम निकाल के आए सीजन के टाइम पे। जी जी, शुक्रिया आपका। और लोगों से गुजारिश है कि भाई का जो चैनल है इनायत, शेख इनायत, शेख इनायत जी, उनको आप लोग सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और लाइक करो। जी, तो अभी बकरा ईद भी आने वाला है माशाल्लाह। हाँ, बकरा ईद का आपके पास पूरा माल आ गया है ना? हाँ, मेरे पास माल आया भी है और बिका भी है, थोड़े बहुत है वो भी अपन बताएंगे। जी, पहले अपन पूरा फार्म का टूर करा देंगे, क्या क्या है, क्या सिस्टम है, क्योंकि आपके चैनल पे पहली बार आ रहा है वीडियो। जी जी हाँ। और मेरा फार्म जो लोकेटेड है, ये पड़गा से एक 5 किलोमीटर आगे आना है आपको, नासिक हाईवे पे, और दरिया सागर होटल आएगी, वहाँ से आपको लेप लेना है। नहीं, लोकेशन अगर मिल जाता है ना, तो लोकेशन बराबर आपके फार्म तक लेकर आया। लेकिन फिर भी अगर कोई न्यू व्यूअर्स आपके जो देख रहे हैं, तो उनके लिए आसान हो जाएगा। दरिया सागर होटल से लेप मार के अंदर आना है आपने को। जी, और 2 किलोमीटर अंदर है वडौली गाँव के अंदर। हाँ हाँ, वडौली जी। चलिए अब चलते फार्म पे। ये 2 दांत पे माशाल्लाह, 4 दांत पे, ये 60 से 65 किलो का। ये 4 दांत पे कोटा है 60-65 किलो का। ये भी एक है 6 दांत पे, ये तो बहुत बहुत एग्रेसिव है। बहुत बहुत 6 दांत पे, ये 6 दांत पे माशाल्लाह, 70 किलो के लगभग। ये 70 किलो के लगभग 85 किलो पे है 6 दांत। ये भी 6 दांत पे, 80-85 kg पे है। हंसा कोटा क्रॉस में है ये, हंसा क्रॉस में माशाल्लाह, हंसा और कोटा क्रॉस में। अच्छा, ये भी अगर किसी को चाहिए तो सस्ते में दे दूंगा। अच्छा, सिंग थोड़ी एक गई हुई है, सिंग इतनी ही थी इसकी समझो। हाँ हाँ हाँ, तो ये इधर गड़ रही थी तो ये कटिंग की हुई है। अच्छा, और ये चमड़े के साथ मिक्स हो गई है तो कट नहीं हो पा रही है। अच्छा, करके इसको छोड़ दिए। अच्छा अच्छा, ये चाहिए तो हिसाब से लगा देंगे। जी, बाकी ये सारे बच्चे 2023 के लिए आए अपने पास। अच्छा, ये सब पलाई के लिए आए माशाल्लाह, चले जाएंगे ये सब माशाल्लाह पलाई के लिए। अभी ये ईद में ये सब चले जाएंगे, इसमें ये बड़े बकरे पूरा ये लाइन पूरी खाली हो जाएगी। अच्छा, ये जो ये लाइन है, ये वाली लाइन है पूरी खाली हो जाएगी माशाल्लाह, सारे बकरे फिर उसमें चले। अच्छा, उस पर ट्रांसफर हो जाएगी माशाल्लाह। बाकी जो आपका सेटअप है भाई, बहुत अच्छा लगा मेरे को सेटअप माशाल्लाह। हर एक बकरे के लिए सिंगल सिंगल है, क्योंकि कैसे है ना, जो भराई पलाई के लिए देते हैं तो वो यही देखते हैं कि हमारे बकरे को बराबर कंफर्टेबल है कि नहीं है। एक तरफ के केज की साइज भी इनायत भाई बड़ी रखा हो। हाँ, बड़े बकरे जिससे होते जाते हैं तो उनको बड़े केज में सिफ्ट कर दो। हाँ हाँ, बराबर है। छोटे जो भी है, ये भी 2023 के है, इसमें कोई कोई और कोई कोई जाएंगे। जी, तो ये भी हो जाएगा। हाँ, वो बड़े वाले बाड़े पे जाके बंद कर देंगे। हाँ हाँ, तो दोस्तों आपने देखा होगा, जो भी बकरे आपको अगर लेना है, ये बकरा भी बहुत यूनिक माशाल्लाह। अरे भाई, ये तो रुक ही नहीं रहा भाई, बहुत बहुत खतरनाक है। ये भी 6 दांत पे है समझो। ये भी 6 दांत पे माशाल्लाह, अच्छी चीज है। हाँ, एग्जॉटिक है माशाल्लाह।
तो दोस्तों ये अंडुल का सेक्शन था, इसमें जो भी बकरे आपको ख़रीदना है वो आप स्क्रीनशॉट लेके भाई को व्हाट्सअप कर सकते हो, तो भाई उसका आपको प्राइस बता देंगे या जो भी है डिटेल आपको बता देंगे। अभी हम दूसरे सेक्शन में चल रहे हैं जहाँ पे सब मिक्स बकरे हैं, खस्सी है, अंडू है और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत खूबसूरत बकरे इसमें। अच्छा ये पहला वाला अंडू का बाड़ा है, इसमें फोर सेल है, ये फोर सेल है बड़ा वाला। अच्छा बाकी के बिके हुए हैं इसके अंदर। अच्छा ये बाकी के सब बिक गए। माशाल्लाह जो छोटा बरबर है टेडी है, हाँ दो दांत का जी, बाकी ये सब बिक चुके हैं। हाँ वो एक ही बकरा उसमें बचा हुआ है। इसमें खस्सी है जिसको लो बजट में चाहिए अगर, हाँ तो ये 440 रुपये पर केजी से इसमें। अच्छा ये पूरे खस्सी से 8 बकरे बिके हुए हैं, बाकी के जो भी है 400 बकरे बिके हुए मिल जाएंगे, उसमें दो गुजरी भी आ गए समझो। अच्छा 440 के हिसाब से, 440 रुपये केजी के हिसाब से जी। ये भी किसी को चाहिए तो 22,000 रुपये के हिसाब से आ जाएंगे, ईद की पलाई फ्री। अच्छा मतलब 22,000 में कोई भी एक बकरा मिल जाएगा, हाँ, ईद तक का आप यहाँ पे फ्री में रखोगे। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा ऑफर है कि ईद तक का फ्री बकरा, ये सारे बिके हुए माशाल्लाह। बाकी बकरे माशाल्लाह आपके पास बहुत खूबसूरत है भाई, सब मिक्स ब्रीड है, जैसे सब मिक्स ब्रीड है, हाँ और सब अच्छे से साफ सफाई से है। 5-6 जानवर इसमें भी कुछ फोर सेल के है, हाँ इसमें सारे सब माशाल्लाह। 100 किलो का पंजाबी है, 115 किलो का पंजाबी है, हाँ इसमें सब बड़े बड़े बकरे हैं माशाल्लाह। ये भी सारे बिके हुए हैं अपने माशाल्लाह, मतलब ये सब अभी ईद के लिए आपके पास रखे हुए खाली। हाँ इन्हें मेरे से ही लेके, हाँ हाँ समझ गया समझ गया, आया था उसी में से बिके हुए हैं ये आपके पास ले जाए, आपके पास ही रख दिए। हाँ ये बकरियों का सेक्शन है अपना। अच्छा ये पूरा बकरियों का सेक्शन है, इसमें सब मिक्स ब्रीड है। हाँ सब मिक्स है इसके अंदर, इसमें पंजाबी है तो मेवाती है, सोजत है, मक्का छीना है, कुछ सोजत है, कुछ पतीरा है, एक बनूर का भी ब्रीडिंग सेटअप है। हाँ बनूर का भी पूरा सेटअप है इसमें, अभी सब मिक्स में है। अरे इसमें तो ये खुला है भाई ये सब? हाँ नहीं अभी बच्चा है इसके लिए वो नहीं मारता, ये भी फोर सेल है अगर किसी को चाहिए तो। अच्छा ये मेंढा भी फोर सेल है? हाँ ये मेंढा जो है ये आंध्रा की ब्रीड दिख रही है भाई? नहीं ये लंबे बाल में आता है, फाइटर मेंढा है, इसके बाल उतार दिए। हाँ हाँ वही ये जो ब्रीड है, बाल होते हैं इसके, ये जो ब्रीड है ना भाई ये आंध्रा की ब्रीड है, मतलब जैसे कि हैदराबाद में। अच्छा है, कर्नाटक कर्नाटक साइड। हाँ ये फाइटर मेंढे माशाल्लाह, में ये हैदराबादी भी है ये। हाँ ये हाइब्रिड में है, वो भी फोर सेल है, किसी को चाहिए तो। और सोजत का आदम बच्चा है 8 महीने का जी, वो भी 40 किलो के लगभग होगा, वो भी किसी को चाहिए तो फोर सेल है। वो मेवाती खड़ा है, हाँ ब्लैक एंड व्हाइट, हाँ ब्लैक एंड व्हाइट में वो पंच है माशाल्लाह। हाँ उसका फेस का मुंडा है, तो दोस्तों ये सारा सेक्शन भी देखा आपने माशाल्लाह। आप अगर आपको फार्म पे भी आना है तो आप विज़िट करिए एक बार, माशाल्लाह आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा फार्म पे। एक बार विज़िट करिए फार्म पे, आइए और एक से एक बकरे देखने मिलेंगे आपको। और अगर जो मेरे वीडियो में आपको बकरे पसंद आ रहे हैं तो उनका स्क्रीनशॉट लेके आप भाई से बात कर सकते हो, तो आपको भाई उसकी डिटेल दे देंगे जो भी है प्राइस। तो अभी और एक बाजू में सेक्शन है, वो सेक्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर हम अपनी वीडियो एंड करें। ये इसमें कौन से भाई? ये इनायत भाई अपना नया सेक्शन है, मैंने अभी बनवाया हूँ, समझो 2 महीना होएगा अभी इसको जी। ये इस पर पहले अपन सब सामान वगैरह रखते थे जी, तो जब मेरा लॉट आया था राजस्थान का तो इसके अंदर डाला था, इसी में से बकरे बिक बिक के उसमें गए समझो। अच्छा मतलब समझ गया, जो अपना लॉट है जो नया लॉट आता है वो यहाँ रखते हो? यहाँ रखते हैं, माशाल्लाह फिर वो बिक बिक के फिर वो पीछे गए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसमें सब कितने वेट पे है? इसपे 60 किलो से लेके तो 75-80 किलो तक के बकरे इसके अंदर, 70-60 से लेके 75-80 तक। और ये वाले सेक्शन में 50 किलो से 65 किलो तक के माशाल्लाह, ज़्यादा करके खस्सी बकरे ही अपने पास। इसका टोटल खस्सी है, अच्छा। इसमें कोई भी नंडू का सेक्शन ही अलग है। अच्छा ये अपना बकरों का प्लेग्राउंड है। हाँ वो तो दिखा दिया, खाने वगैरह खाने के बाद में जब पानी के लिए छोड़ते हैं जी जी देखा मैंने, इसमें 5-15 मिनट घूम लेते हैं जी, थोड़ा हाथ पैर मोकला हाँ। चले जाते हैं। सो दोस्तों ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, ये मैंने आपको पूरा फार्म बता दिया। अगर आपको फार्म पे आना है तो भाई का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा,
आप फार्म पे आइए, एक बार विज़िट करिए। माशाल्लाह अच्छे से अच्छे बकरे यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे, पलाई पे भी लेते हैं भाई। जो भी आपको डिटेल चाहिए आप भाई से कॉल करके बात कर लेना। अल्लाह हाफिज़ भाई। अल्लाह हाफिज़।